Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. Today's lesson is about English. आज हम English grammar की बात करेंगे और एक बहुत ही आसान और helpful tip जो है मैं आपसे share करने जा रही हूँ. So आज का lesson जो है वो तमाम level के students के लिए है, चाहे कोई elementary में है, secondary में है या junior level पर है. So let's take a start. This is a word you can say, she, comma, s. इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हम इसकी बेसिक प्रोनंसिएशन सीखेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि ये अगर कॉमा एस इसमें है तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है किस चीज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. ठीक है, ये जो कॉमा ऊपर लगा हुआ है ये शो कर रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. ये किस चीज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसमें क्या वर्ड्स हैं, क्या इसकी करेक्ट प्रोनंसिएशन जो है वो होनी चाहिए, तो इस पर जो है हम बात करेंगे. शी कॉमा एस, इसकी प्रोनंसिएशन जो है वो शीज है. She's, she's, I repeat, she's. ठीक है, तो इसकी प्रोनंसिएशन है she's. अब ये she's तो है लेकिन मुझे कैसे क्या समझ आए कि ये सिर्फ s है. What does this s mean here? तो हम इसको इस तरह से लॉजिकली प्रूव करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे लाइक दिस एंड दिस. यानी ये जो she's है, ये s जो है, ये s ये यहाँ पर स्टैंड कर रहा है इसके लिए और has के लिए. ठीक है, दो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, is and has. is भी एक हेल्पिंग वर्ब है, has भी हेल्पिंग वर्ब है, एंड वी कैन से दैट दीज आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स और द हेल्पिंग वर्ब्स. अब मैं इसको, ये असल में शी इज़ है या शी हैज़ है, ये तो बहुत कन्फ्यूजिंग है. ये अगर सेंटेंस में लिखा हुआ हो तो आप कैसे उस सेंटेंस को जो है ग्रामर बेसिस पर, ग्रामेटिकल बेसिस पर प्रूव कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, दैट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, और आपका एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये जो है इज़ अब यहाँ पर है या हैज़ यहाँ पर है, कैसे इसको प्रूव करना है. ठीक है, For example, there is a sentence. Let me write a sentence for you. That is, she's a girl. She's a girl. Look at the sentence carefully. She's a girl. Okay? अब इस सेंटेंस में ये she's है, ये she is है, ये she has है. ठीक है, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई? सो आई विल प्रूव दिस. ठीक है, अगर तो मैं कहती हूँ कि ये शीज़ जो है ये इज है, ठीक है, तो फिर मैं आगे चेक करूँगी कि क्या मेरे सेंटेंस में वर्ब गिवन है. ठीक है, अगर तो वर्ब गिवन है सेंटेंस में, ठीक है, तो फिर वर्ब कौन सा होना चाहिए. ठीक है, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब इज है तो इट्स अंडरस्टूड कि हमारा जो वी है वो वी फोर साथ यूज़ होगा. ठीक है, वी फोर हम यूज़ करेंगे और वी फोर जो है द अदर नेम ऑफ वी फोर दैट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम इसको कह सकते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं. ठीक है, यानी वो वर्ड्स जिनमें, वो वर्ब्स जिनमें आईएनजी आता है. ठीक है, तो वो वर्ब्स जो हैं वी फोर कहलाते हैं, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. तो अगर तो सेंटेंस में इज़ है, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि ये शी इज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सेंटेंस में आगे वी फोर होना चाहिए. ठीक है, और अगर वी फोर नहीं है तो फिर मैं कहूँगी कि ये शी हैज़ है सेंटेंस में. अगर ये शी हैज़ है तो इसका मतलब है कि मेरे पास सेंटेंस में आगे वी थ्री होना चाहिए. अब वी थ्री क्या है? वी थ्री जो है दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल भी हम इसको कहते हैं. फिर मैं देखूंगी कि क्या आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सेंटेंस में यूज हुई है. ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इस सेंटेंस में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्ब है ही नहीं. जैसे कि वी ऑल नो दैट वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड एंड इट इज़ मोर देन द एक्शन वर्ड्स एज वेल, बट हियर देयर इज़ नो वर्ब. इस सेंटेंस में हमारे पास कोई वर्ब नहीं है. सो हमारे पास तो यानी कि ये भी रॉन्ग हो गया, ये तो इज़ भी नहीं बना और हैज़ भी नहीं बना. बट स्टिल आई एम सेइंग दैट नो दिस अपोस्ट्रोफी एज, एक्चुअली दिस इज़ नॉट अपोस्ट्रोफी हियर. वाई? बिकॉज अपोस्ट्रोफी इज़ यूज टू शो द पोजिशन, बट हियर दिस कॉमा इज़ यूज टू शो द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. सो हियर इट इज़ शोइंग द कॉन्ट्रैक्ट. सो फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं, ये इज ही है, ये शी इज ही है. इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर रूल के अकॉर्डिंग ये इज जो है वी फोर के साथ आगे कंप्लीट नहीं कर रहा है सेंटेंस को, या हैज आगे वी थ्री के साथ कंप्लीट नहीं कर रहा है सेंटेंस को,
ओके, तो इट मींस कि अगर इसके साथ वी फोर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके साथ वी थ्री कंप्लीट नहीं हो रहा और स्टिल मैं आपसे कह रही हूँ ये शी इज़ है, तो इसका रूल क्या है, इसका रीज़न क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता है तो इसका मतलब है कि आगे सेंटेंस में हमारे साथ हमारे पास यकीनन एडजेक्टिव या नाउन यूज़ हुआ है। ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल। मैं कह रही हूँ कि ये शी इज़ है और इसके बाद आगे देखिए कि आपके पास सेंटेंस में अ गर्ल, वी नो दैट इज एन आर्टिकल, ठीक है, एंड फुल नाउन वी कैन से दैट दिस इज अ गर्ल। ओके, सो आगे सेंटेंस में हमारे पास नाउन यूज हुआ है, सो शी इज अ गर्ल। आगे चूंकि हमारे पास इज वी फोर के साथ कंप्लीट नहीं कर रहा, हैज वी थ्री के साथ कंप्लीट नहीं कर रहा, लेकिन सेंटेंस में नाउन मौजूद है और नाउन के साथ यहाँ पर हम इज लगा सकते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यहाँ पर आ रहा है, शी इज अ गर्ल। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल विद एडजेक्टिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ कि she is pretty, all right, ठीक है, she is pretty। अब इसमें भी मैं आपसे यही कह रही हूँ कि ये जो एक कॉमा एस है, ठीक है, ये कॉमा एस जो है ये शी इज ही है, क्योंकि मैंने आपको रूल बताया है कि अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती और फिर भी मैं कह रही हूँ ये शी इज ही है, तो इसका मतलब है सेंटेंस में आगे नाउन या एडजेक्टिव यूज हुआ है। दिस प्रिटी इज एन एडजेक्टिव, ऑल राइट, और शी इज प्रिटी, अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, शी इज प्रिटी। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। Let me share another example with you. You can see here it is written, he's already put the storm shutters. Now, अब हम इसको क्या understand हम कर सकते हैं, ये he is है, ठीक है, या ये he has है, तो इसमें you can see that we will search the verb and where is our verb? Here it is and that is put. Put is the verb. Now this is V1 और V3. अब हम कैसे understand करें, अगर हम कहेंगे कि ये V1 है so it means कि यहाँ पर he is है, ठीक है, अगर हम कहें कि ये V3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर he has है, और put का हमें पता है कि V1 भी put है, V2 भी put है और V3 भी put है और V4 putting है। V4 ये हो नहीं सकता because ing is missing, this is not the gerund form, ठीक है, so it means that this is the past participle form, so basically this is he has already put the storm shutters, और इसी contracted form जो है वो क्या हो जाएगी, he's already put the storm shutters, यानी if you get a question, multiple choice question, या आपको इस तरह से आ जाता है कि contracted form को जो है आपने expanded form में जो है आपने करके लिखना है, ठीक है, तो अब इस contracted को आप तभी जो है expanded form में लिख सकते हैं जब आपको verb के साथ इसको अच्छे से relate कर सकें और इस rule का आपको पता हो, इस condition का आपको पता हो, तभी आप इसको apply कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास अगर question है that write it in the expanded form, then you should know that what to do. You will definitely search for the verb, that which verb is used, okay, और अगर verb नहीं है, V1 भी missing है, V4, V3 भी missing है, ठीक है, या V4 भी, कोई भी verb जो है नहीं है, then you will go for adjective or a noun. तब आप देखेंगे कि क्या sentence में adjective या noun है, और adjective या noun है तब तो एक ही condition है कि वहाँ पर फिर is he जो है वो use होगा, और इसके अलावा gerund form के लिए भी is he use होगा. So this was the lesson for today that we read for she's or he's, you could say. Okay, so I hope that you understand the lesson very well, and this will be really, really very helpful for you. So if you like the video, do subscribe the channel and hit the like button. Thank you.